वेलकम टू माय चैनल दर्शो मास्टर। बिग बॉस 11 में एक ऐसा कंटेस्टेंट आई थी जो है हिना खान, और उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा उन्होंने खेला था, मतलब बिग बॉस को जिया था उन्होंने घर के अंदर, और बहुत अच्छे से जिया, बहुत तकलीफ लिया उन्होंने, अच्छे दोस्त भी बनाए, अच्छा एक रिश्ता बनाया लोगों से, और कहीं ना कहीं शो जीत नहीं पाई बट एज अ रनर अप रही, और कहीं ना कहीं बट हार कर भी जीतते ना जो वैसा एक इंसान है हिना खान, जो आजकल काफ़ी सारे मूवीज़ में आ रहे, गाने में आ रहे, और काफ़ी खुद की मूवी उनके मूवीज़ है, अच्छे अच्छे मूवीज़ आए, महेश भट्ट के साथ मूवीज़ की है, तो काफ़ी चर्चे में भी रही है हिना खान। और हिना खान का आज हम जॉनी रिएक्शन करने वाले हैं, उनकी वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं, तो उनका जॉनी वीडियो है, वो जॉनी वीडियो के ऊपर मैं रिएक्ट करूँगा। तो ये जो जॉनी वीडियो पेश करता हूँ हिना खान की तरफ से, तो जो मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरे चैनल में पहले से जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये दिल से रिएक्ट कर रहा हूँ यार, लाइक ज़रूर कर देना। चलो तो वीडियो को रिएक्ट करते हैं, स्टार्ट। ऐसा होता था एकदम बिग बॉस का, वो दरवाजा वरवाजा एकदम गॉड, खतरों के खिलाड़ी। अपने पिछले रियलिटी शो में फाइनलिस्ट बनने के बाद गर्ल पावर का नारा लगाते हुए टीवी की जानी मानी शख्सियत हिना खान ने एंट्री की बिग बॉस के घर। बॉस का आवाज वो टाइम में भी कैसा एकदम। 8 साल तक दर्शकों ने आपको टीवी पर एक किरदार निभाते हुए देखा और बेहद पसंद भी किया था। अब बारी थी हिना खान बनकर दर्शकों के दिलों पर एक बार फिर राज करने की। घर में आते ही आपने शुरुआती कार्यों में ही यह दिखा दिया कि क्यों आप अपने पिछले रियलिटी शो में फाइनल तक पहुंची, और शुरुआती कार्यों में ही घर वालों को यह साफ साफ समझ में आ गया कि हिना खान एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है और उन सबको उनसे बचकर रहने की जरूरत होगी। और यह किस्सा सिर्फ शुरुआती हफ्तों तक ही सीमित नहीं था, इसके बाद भी बिग बॉस कार्य देते रहे और आप हर कार्य को बखूबी निभाती रहीं और हमेशा अपना 100% देकर उसको जीतने की कोशिश करती रहीं। आपका ये कंपेटिटिव अंदाज और हमेशा हर चुनौती को जीतने की कोशिश करने वाला एटीट्यूड सबको बेहद पसंद आने लगा, यहां तक कि घर के अंदर मौजूद बाकी सदस्यों ने तो आपको टास्क क्वीन तक का टाइटल दे दिया। ऐसी सब कुछ होता है। लोग जान गए थे कि हिना खान हर चुनौती का डट कर सामना करने वालों में से है। अलग था, लोग जान गए थे जो कि चुनौती भले ही कितनी भी बड़ी हो, आप कभी भी उसे पीठ दिखाकर नहीं भागेंगी, बल्कि डट कर उसका सामना करेंगी। बट मैं एंड के टाइम पे नहीं देख पाया, क्योंकि लोग जान गए थे कुछ इसमें कि अगर बिग बॉस द्वारा एक कार्य दिया जाएगा जिसके कारण तो हिना खान उसे पूरा करने और उसे जीतने के लिए जी जान लगा देंगी। विकास सिटी जैसे कार्य में विकास ने जब अपनी मां की फोटो सामने रखकर आपके सामने एक ऐसी परिस्थिति रख दी जिसमें अच्छे अच्छे डगमगा जाते, आपने फिर भी उस कार्य को अपनी सूझबूझ से पूरा भी किया और जोश के साथ साथ होश बनाए रखकर यह भी सुनिश्चित किया कि किसी की भावनाओं को किसी भी तरह की ठेस ना पहुंच पाए। इसे आपकी सूझबूझ, साफ दिली और अच्छाई का उदाहरण नहीं कहेंगे तो फिर भला और क्या कहेंगे। और शायद यही एक कारण था कि जहां लोग इस घर में एक बार कैप्टन बनने के मौके तक को तरस गए,
आप इस सीजन के चुनिंदा कुछ ऐसे सदस्यों में से रहीं जिसे दो बार घर का कैप्टन बनाया गया। और आप सिर्फ बिग बॉस द्वारा दिए गए कार्यों में ही नहीं बल्कि बिग बॉस के घर में भी हमेशा वो तारा बनकर उभरी हैं जो भीड़ में भी चमक कर सबसे अलग दिखता रहा है। जहां कई घर वाले इस डर से चुप रहते थे कि ना जाने लोग क्या समझेंगे, आपने हमेशा डंके की चोट पर वो कहा और वो किया जो आपको सही लगा और हमेशा अपने दिल की बात सुनकर इस खेल को खेला। आप हमेशा खुलकर सामने अपना नजरिया रखती आई हैं और आपका यही बेखौफ अंदाज सबके दिलों को हमेशा छूता आया है। लेकिन जहां आपका बेखौफ अंदाज दर्शकों को पसंद आ रहा था वहीं आपकी मजबूत शख्सियत इस घर के लोगों को खलने भी लगी। शायद इसीलिए बार बार अलग अलग मुद्दे बनाकर घर वालों ने आप पर उंगली उठाई और आपके साथ झगड़े किए। लेकिन आप हर बार अपने अंदाज में सामने वालों को बखूबी जवाब भी दे दी आई हैं। आपने हर बार लोगों की बातों का मुंह तोड़ जवाब देकर उन्हें चुप अलग ही मानना पड़ेगा। जब खुद की कुर्बानी देकर उन्हीं उंगली उठाने वाले लोगों को बचाने का मौका आया तो भी आपने बिना हिचकिचाए अपना बलिदान दिया। यह आपके बड़प्पन का उदाहरण नहीं तो फिर भला और क्या है। बात दूसरों के लिए खुद को नॉमिनेट कर देने की हो या दूसरों को नॉमिनेशन से बचाए रखने के लिए अपने चहीते स्टफ टॉय की कुर्बानी देने की, आप हमेशा हर कदम पर हर परीक्षा में अपने दिल की सुनती आई हैं और वही करती आई हैं जो आपको सही लगा। यकीनन अपने दिल की सुनते हुए आपका खेल खेलने का ये अंदाज आसान नहीं होगा और शायद इसीलिए हमने आपको इस शो पर कई बार भावुक होते और रोते हुए भी देखा। बात लोगों की कड़वी बातें सुनकर आंखें भराने की हो या महीनों बाद अपने दोस्त रॉकी से मिलकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने की, आपके आंसू हमेशा आपकी भावनाओं का आईना बनकर दर्शकों के दिल को छूते हैं। लव और प्रियंक तो ठीक है, लव यहां तक कि स्टैचू टास्क के दौरान अनजान होने के बावजूद हर किसी के रिश्तेदारों को देखकर आपका भावुक हो जाना और आपकी आंखों से आंसुओं का निकलना इस बात को साफ साफ झलकाता है शिल्पा शिंदे भी अच्छे खिलाड़ी थी, सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचते थी आसपास वालों की भावनाओं की भी किस हद तक कदर करते हैं। पसंद भी करते थे शिल्पा शिंदे को। लेकिन इस घर में लोग इंसानों को नहीं छोड़ते तो फिर आपके आंसू भला क्या चीज थे। देखते ही देखते लोगों ने कभी आपके आंसुओं का मजाक बनाया तो कभी वो आपके रोने के अंदाज पर हंसते रहे। जिन घरवालों के रिश्तेदारों के लिए आपने इमोशनल होकर आंसू बहाए उन्हीं घरवालों ने आप ही की भावनाओं को हंसी का पात्र बना दिया। लेकिन जहां कई घरवालों ने आप पर उंगलियां उठाई वहीं आपको इस घर में कुछ खास दोस्त भी मिले। प्रियंक और लव आपके साथी बने और आप तीनों साथ मिलकर बाकी घर वालों का बखूबी सामना करने लगे। बिग बॉस 11 के ना टास्क लेकिन अगर कभी प्रियंक और लव में कुछ अनबन हो जाती थी तो आप हमेशा उसे सुलझाने में भी टास्क और इस दोस्ती को बनाए रखने में कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा हाथ रहा।
लेकिन फिर जैसे जैसे ये खेल अपने आखिरी हफ्तों में पहुंचने लगा, लोग सिर्फ अपने फायदे की सोचने लगे। ऐसे में कई लोग बदले और कई रिश्तों में दरारें आईं। आपकी दोस्ती के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ और एक एक कर आपके अच्छे दोस्त भी आपसे अलग होने लगे। माउंट बीबी कार्य के दौरान लव का अपने आप को नॉन सेलिब्रिटी बुलाकर आपसे अलग हो जाना दर्शकों के लिए भी उतना ही आश्चर्यजनक था जितना शायद आपके लिए। लेकिन फिर भी दिल में खालिश और रंजिश रखने के बजाय अपने दोस्तों को माफ कर देना और एलिमिनेशन के वक्त उनसे गले मिलकर भारी दिल से अलविदा कहकर विकास गुप्ता वहीं पे मुझे एकदम नेगेटिव लगा। बिबस सेवन से मुझे नेगेटिव लगता था। वाकई कितनी अच्छी दोस्ती, बिल्कुल पसंद नहीं आता था। और प्रियांक और लव से की दोस्ती सिर्फ इस शो में आगे बढ़ने का साधन नहीं थी बल्कि सच्चे दिल से की दोस्ती थी जिसे आपने पूरे दिल से अंत तक निभाया। दोस्तों के बिना आपका यह सफर खासा मुश्किल रहा है। बार बार कदम कदम पर आपको इस घर में बातें सुनाई गई, कभी चालू, कभी वैम्प, कभी रोंडू, कभी हिपोक्रेट। घर वाले आपको समय समय पर अलग अलग टाइटल्स देकर अलग अलग बातें बोलकर टारगेट करते आए हैं। शो के आखिरी हफ्तों में तो आप इस कदर अकेली हो गई कि हमने आपको अक्सर घर के कैमरा से बहुत इमोशनल सीन्स है। इसमें बहुत अलग अलग तरीके के तो इमोशनल सीन्स भी ज्यादा थे। हिना खान के पूरे जर्नी में इमोशनल सीन ही थे ज्यादातर। विनर की तरह आप हमेशा अपना सर उठाकर अपने नजरिए को खुलेआम पेश करते हुए इस खेल को खेलती आई हैं और इस शो में आगे बढ़ती आई हैं। आपके यहां तक के सफर को देखते हुए ये साफ साफ समझ आता है कि आपके लिए दिवाली पर घर से भेजे गए मग पर शेर खान क्यों लिखा था। वो मग भले ही टास्क के दौरान टूट गया हो लेकिन शेर अभी भी यही है। आपके जज्बे को, आपकी हिम्मत को ना तो कभी कोई तोड़ पाया है और ना शायद कभी कोई तोड़ पाएगा। आपके इस सफर का हर एक पल गवाही दे रहा है कि हिना ने इसे कितनी अच्छी तरह अपना सर उठाकर एक शेर की ही तरह खेला है। और हिना खान वाकई शेर खान है। Means a lot. आइए आपके इसी सफर को एक बार फिर साथ में जीते हैं। एकदम सही से यहाँ सच में अलग ही एकदम अलग ही फील आ रहा है। जॉनी वीडियो देखने में बहुत मज़ा आता है। मुझे लगता है मैंने हर टास्क में टिक ऑफ के अपनी तरफ से 100
लगी, कुछ बात हो रही ना एकदम पत्ते वाली। वहाँ से एकदम किनाटन बोले तो एकदम क्लास, उसका इमोशनल सा स्माइल सब वहाँ से एकदम। जर्नी वीडियो था ये बिग बॉस 15 का, क्या जर्नी वीडियो था क्वास। खतरनाक खतरनाक कुछ एकदम फुल जर्नी वो मसाला करके दिखा था यार, अपना बिग बॉस 15 में ऐसा मसाला था ही नहीं। सामने धूप आ रहा है क्योंकि मैं हॉट हूँ, इसलिए नहीं कि तुम ये महसूस करते हो। मेरा दोस्त मुझे भी नहीं,
कुछ अलग ही रहता था एकदम लोगों का घर घर वीर सब एकदम अलग दिखता था एकदम अलग ही रहता था। हर सीजन में अलग अलग घर मीन्स उनका जो बिग बॉस हाउस है एकदम अलग अलग होता है। मैंने जब देखा है अलग अलग तो बैड वेट सब अलग होता है। आप लोग भी धूप में बैठ के करो, मैं टाइम नहीं देख पाया कि धूप आना लग करके मैं तो धूप के बाद छत के यहाँ पे जाने के बाद मैं रिएक्शन कर लेता। कोई बात नहीं, मानना पड़ेगा। बिग बॉस 13 में बहुत एक्चुअली अच्छी दिखी थी, मतलब थोड़े टाइम बिग बॉस 13 नहीं सर बिग बॉस 14 में थोड़े टाइम की आई थी, अच्छी थी। बिजली के टाइम पे मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। ये सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। ये सफर और इसकी यादें तो आपके साथ हमेशा रहेंगी, लेकिन ये निशानियां पीछे रह जाएंगी। बिग बॉस आशा करते हैं कि आपके इस यादगार सफर का अंत भी यादगार ही होगा। अभी वीडियो का रिएक्शन में मजा ही आ रहा है, मैं रिएक्शन में भी खोया हूँ, पैसा भी टपक रहा हूँ, क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा भाई। इसे एक लाइक मार दो यार मेरे लिए। तो 2 मिनट का वीडियो बचा है। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और वैसे तो पीटी गिटार तो अच्छा लग रहा है। थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। हिना एक्टिविटी एरिया से बाहर आ जाए। चेक नंबर हीरा कान, हीरा कान के फैंस प्लीज यार मुझे लाइक सब्सक्राइब कर दो यार। धूप ने हालत डाउन कर दिया आज मेरा, सोचा नहीं था ये टाइम पे धूप आएगा। हो गया ऐसा रिएक्शन मिस इस वीडियो पे करना जॉनी, जो हीरा कान का जॉनी था ज़बरदस्त था। पहले तो मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा कि मैंने गलत टाइम पे मैंने वीडियो का रिएक्शन करने के लिए शुरू किया, क्योंकि इजीली ये टाइम पे धूप नहीं गिरता है, ये टाइम पे आता नहीं है, थोड़ा तो टाइम लग जाता है, पता नहीं मुझे समझ नहीं ये टाइम पे आता है, पता नहीं मैं ध्यान नहीं दिया शायद टाइम पे भी ध्यान नहीं दिया। डायरेक्ट कैमरा उठाया आया बैठा और मैं बोला चलो कर देता हूँ हीरा कान पे जानी वीडियो, मैंने धूप का दिमाग पर रखा ही नहीं था। जाके थोड़ा 5-6 मिनट के बाद डायरेक्ट जो पड़ गया मेरे ऊपर तो उससे मेरा हालत डाउन हो गया। लेकिन जो भी हो हीरा कान का जर्नी वीडियो जबरदस्त, बिग बॉस 7 में आई बंदी खेला सुपरबली, एक
अकेली रह के उसे अपने रिश्ते बनाए, लव के साथ बनाए, प्रियांक के साथ बनाए, अच्छे अच्छे रिश्ते यहाँ वहाँ बनाए। सपना चौधरी के साथ भी उनका रिएक्शन मतलब उनका थोड़ा अच्छा ही था, जितना भी उन्होंने दोस्ती बनाई। लेकिन सबसे मेन इम्पोर्टेंट था हिना खान का, जो था उनका कॉन्फिडेंस, जो था उनका अकेले लड़ने की एक हिम्मत, हारती नहीं थी हर टाइम पे, जिस तरह से वो खेलती थी ना जबरदस्त। मैं बिग बॉस 11 देखा हूँ, मैंने पर्सनली देखा, मैंने कुछ आधे तक ही देखा है, मैंने आधे नहीं आधे से ज़्यादा तक देखा है। बट एंड टाइम आया तो एंड टाइम पे मुझे गाँव जाना पड़ा, तो पहले वो टाइम पे मेरे पास मोबाइल इतने ऐसे स्मार्टफोन में मोबाइल में ऐसा कोई वीड चैनल नहीं था वो टाइम पर। वो टाइम पर सर टी वी में आया देखो, तो वो टाइम मैं गाँव में गया तो गाँव में भी टी वी थे, लेकिन गाँव में अभी उनका चैनल देखेंगे, मैं तो ना अभी बिग बॉस क्लियर होगा, मैं तो अपना दोस्तों के साथ यहाँ हुआ, फिर वो चले जाते हैं। एक बार अपन घर पे बैठ के देखते हैं यार, मम्मी के साथ बैठ के देखते हैं, गांव में आए कहीं जगह तो नहीं देख पाते। तो वैसे मैंने एंड का नहीं देखा, विनर नहीं देखा, बट वो जब मैं बिग बॉस 12 देखना है तब जाके मालूम पड़ा कि हिना खान विनर, मतलब शिल्पा शेंडी विनर बनी थी। तो नहीं देख पाया मैं ये सब जॉनी वीडियो नहीं देख पाया था उनका, लेकिन जितना भी देखा हिना खान मुझे जहाँ तक देखा मुझे अच्छी लगी, ज़बरदस्त लगा। जितने भी उनके वीडियो जितने मूवीज़ आते हैं तो हमेशा एक लेवल आगे बढ़ती हुई दिखी, उनका इंस्टाग्राम में अच्छा हमेशा अपडेट रहती है और बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा रिएक्शन, जो धूप में कर अब धूप थोड़ा डल रहा है, उसका एक पेड़ है, एक पेड़ के गैप में से आ रहा है, वो इतने देर तक गैप के बीच में था, अब वो पेड़ के इधर ढक रहा है, इधर धूप नहीं आता सर, पेड़ के चक्कर में वो गैप पड़ता है उधर से आके चले जाता है, बाद में बिल्डिंग है कवर हो जाता है, ये थोड़े टाइम के लिए आ जाता है, पर थोड़े टाइम के लिए मैं गलत टाइम पे वीडियो कर रहा हूँ। बट ठीक है, चलो आप लोग ने किया है और आप लोग मुझे आप लोग को मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किसका जर्नी वीडियो देखना चाहते हो, मैं उसका जर्नी वीडियो कैसे ढूंढ फांट के लेके आऊँगा, तो आप लोग मुझे बताओ कि किसका जर्नी वीडियो के ऊपर मैं रिएक्शन करना चाहिए। प्लीज़ धन्यवाद।